राज्य वेब मीडिया संगठन उड़ीसा में शुरू हो गया है, जी हाँ, जिसमें सभापति पूर्णा चंद्र दास और संपादक विद्युलता मोहंती के नाम की घोषणा की गई है। सवाल उठता है कि एक पत्रकार की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों के संबंध में कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को सफलतापूर्वक कैसे पूरा कर सकता है, लेकिन राज्य सरकार के चुप रहने का क्या कारण है, ये सब जानने के बाद पूरी, फूलबनी, गंजम, भद्रक और जाजपुर समेत कई पत्रकारों पर हमले भी हो चुके हैं। बताते चले कि बहरहाल हमारी उड़ीसा सरकार सब कुछ न देखने का दिखावा करती रहती है। पत्रकारों का ऐसा अत्याचार अब नहीं सुना जाएगा। राज्य के सभी हिस्सों में कहीं ना कहीं पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहे हैं। राजधानी मास्टर कैंटीन स्क्वायर पे आज पत्रकारों के खिलाफ इस तरह के अत्याचार अब जारी नहीं रहेंगे के नारे से हिल गया था। राज्यपाल को मांग पत्र भी जारी किया गया है। राज्य वेब मीडिया संघर सभापति पूर्णचंद्र दास कहि आज आंभे मैंने यठार एकत्रित होचे एत बड़ तोफान तोफान आसड़ तोफान आसान कोरोना चलती तामें राजस्ता को आज ओल्लबार एकम्र लक्ष्य होगा जे सांबादिक प्रति जो अपव्यवहार होती आम आज एठारे ओल्लु कहार लक्ष्य जे सांबादिकर मौलिक सुरक्षा और सुरक्षा फुलवाणी जो आक्रमण होता सांबादिक पुलिस आक्रमण होता सी गोटे गंजे बेपार करने जा पुलिस वाला से समस्त एसपी डीसी डीसीओ समस्त सदा सुधी खराब भाषा गाड़ी गुलज कर अडियोटा क्लीपटा सबुआ भाइराल है एसपी को आम जनइलु एसपी आज पर्यंत तार कौन प्रतिक्रिया ने ना एपाई आम आज एठार प्रतिवाद कर आगक एमती सांबादिक अत्याचार न कर आमर ओजीयूर सभापति भागवत त्रिपाठी से कह किसी दिन तले आपण मैंने जानते गोटे वेब चैनल जी कि टीएनओ टी न्यूज ओडिशा से गोटे फेक न्यूज परिवेशन करते मुख्यमंत्री आउ ना यही न्यूज नहीं कि गोटे वेब चैनल जो सारा वेब चैनल को बदनाम करा जाउछि। प्रथम तो मुझे कहबी एभली बदनाम करूँ ना जदि जड़े भूल कला गोटे पुओ जमी घरे किसी दोष कला से पुओ ही आरेस्ट करा कि कौन पूरा सारा परिवार दोषी ना यही चैनल को बंद भी करा जाओ और गिरफ भी करा जाओ से आम आज एकत्रित होइथिलु और सबुठ खुशी लगला आमर उत्कल सांबादिक संघ तरफ आमको सहमति मिली आ समर्थन मिली से बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या दिखाए ये खिड़की, क्या क्या दिखाए ये खिड़की। दिखाए ये खिड़की, क्या क्या दिखाए ये खिड़की। जिंगा ला ला जिंगा, जिंगा ला ला जिंगा, जिंगा ला ला जिंगा, जिंगा ला ला। रातों